आई वॉज ऑलवेज यू नो सेल्फ पिटिंग माई सेल्फ के मैं इतना मासूम किस्म का इंसान हूँ, मेरा कद का मसला है, मेरे वजन का मसला है, अब मेरी पूरी बॉडी की हड्डियों का मसला है. सो यू नो ऑल माई लिम्स, ऑल माई यू नो बोन्स इन माई बॉडी, सबका अफेक्टेड है. बच्चे भी तंग करते थे, मुश्किल था, धक्के टुके पड़ जाते थे, थप्पड़ थप्पड़ पड़ जाते थे, सीढ़ियों से गिरा देते थे, रेत रूत में फेंक देते थे. आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना ज़बरदस्त पब्लिक स्पीकर हूँ कि आप मेरे से कोई भी खड़ा करते हैं. यू नो मैं तो कहता हूँ अल्लाह की तरह मेहरबानी है, ब्लेसिंग है, मेरा क्या मैजिक है इसमें. खान साहब के साथ कैसा एक्सपीरियंस था पहला? यार अमेजिंग एक्सपीरियंस. मैंने पार्टी के ऊपर लाखों रुपए खर्चा किए. देखिए हमने ट्रैवलिंग करनी है, कराची लाहौर जाना है, रहना है, अपने पास से अपने पास से रुपया नहीं मिलता था पार्टी से. अभी का मुझे नहीं पता, लोग कहानियां बनाते पैसे मिलते हैं, मेरा ख्याल कोई पैसे नहीं पैसे मिलते. ऑफिशियल लोगों को तो कुछ भी नहीं मिला पकी पार्टी में. इज्जत मिलती थी, लिबर्टी मिलती थी काम करने की, और खान साहब सुनते थे. आप यकीन करें चेयरमैन बैठा हुआ पार्टी का, यार इतना बड़ा आदमी होता है, ठीक है आप उनको बताएंगे ना कि इस मौजूद बात करनी, तो वो सुनेंगे आपकी बात. व्हाट वाज द होप व्हिच वाज लाइक यू नो देयर वाज नो होप. मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं, देयर वाज नो होप. सारी फीसें मैं खुद देता था. मैंने अपनी जिंदगी में 2006-07 के बाद कभी घर से पैसे नहीं लिए. तो हम गूगल टॉक हमने कोई 3 साल इतना यूज़ किया तलाब है, यू कैन नॉट इमेजिन, हम लोगों ने इतने पैसे कमाए उधर से. तो फिर बस ये था कि मैं मार्केटर बन गया. आपका ब्लॉग है, आपका पब्लिकेशन है, यूनिट ट्रैफिक ना, आई विल ब्रिंग यू द ट्रैफिक. तो वहाँ से वो काम शुरू किया, उससे फिर मुझे ना बहुत प्रोमिनेंस मिली. सो आई वॉज दी ओनली वन इन पाकिस्तान बैक देन जो ये काम कर रहा था, कोई भी नहीं कर रहा था. मैं जो काम करके देता था मैं 3 रुपये करके देता था. मार्केट में वो काम होता था 30 रुपये का. मुझे पता था कि मैं कम पैसे चार्ज करूँ, मेरे लिए बहुत सारे पैसे. देखें गरीब मजदूर आदमी को 3 रुपये तो बहुत ज़्यादा लगेंगे ना. तो लोग कहते थे कि अच्छा इसका पुद्दू लगा हुआ, इससे हम काम करा लेते हैं. तो फिर टेक ब्लॉग्स, डिज़ाइन ब्लॉग्स, पता नहीं कौन कौन से ब्लॉग्स, बहुत सारे लोगों से काम किया. अब ये लेवल हो गया ना, एक टाइम तक साल लग रहे सोडर बनाने, अब मैं आपको 10 मिनट में ज़्यादा बना के दिखाता हूँ. तो बहुत लर्न किए. तो वहाँ से सेल्फ नज़र आई कि शीशे में अगर मैं नज़र आता हूँ, मेरे अगर गोडे टेढ़े हैं, मेरे हाथ टेढ़े हैं, अगर मेरी गर्दन नहीं है, मेरा कद छोटा है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है यार, मुझे तो मेरे काम पे रिस्पेक्ट मिल रही है ना जो मैं मेहनत कर रहा हूँ. कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट गिव्स यू द लॉन्ग रेस इन लाइफ ना, लंबा खेलना. आप स्किल भी सीख लेते हैं तला भाई, हार्ड वर्क भी कर लेते हैं, कॉन्टेंट डालते हैं, लेकिन हर बंदा फेल करता है कंसिस्टेंसी पे. अगर मैं एज अ मजूर रह जाता और मैं कंसिस्टेंट ना होता, अपने आपको सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ, मैं कामयाब समझ सकता, मैं ना कर सकता. डू यू थिंक ये जो होल लाइक एनजीओ वर्ल्ड है, लाइक हाउ डू यू सी दैट? आपने डेवलपमेंट सेक्टर की बात की, इदारों की बात की है, इतफाकन सबके साथ काम किया मैंने. मेरी फेसबुक पे वो सब मासूर अफराद एडिट हैं जो गांव देहात में रहते हैं, वही मेरे दोस्त हैं, ठीक है. आई वांट टू स्टे इन टच विद ऑल द पीपल ना, कि इनके मसाइल भी समझूं, अपने भी समझूं और आगे हमको फिक्स कर सकें. जिंदगी से ना प्यार एक वक्त ख़त्म हो गया था, फिर बहुत ज़्यादा हो गया. अब प्यार की शिद्दत यह है कि आई विश कि मैं अपनी कोशिश करके जितनी भी माइक्रो स्केल पर करूँ किसी की ज़िंदगी को बेहतर कर सकूँ ना. इट्स अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, बट जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब ABS से सफ़र शुरू हुआ, ब्लॉगिंग, पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म पढ़ना, यूनिवर्सिटी, स्टार्टेड मेकिंग लाइक यू नो डॉलर्स, लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है?